मानवता की पाठशाला मध्य प्रदेश के भिंड जिले का एक विशेष स्कूल। यहाँ किसी टीचर की भर्ती नहीं हुई है, यहाँ कोई रिजल्ट नहीं मिलता और ना ही बच्चों में काबिलियत की दौड़ होती है। भविष्य सुधारने के लिए हम लोगों ने एक मानवता की पाठशाला टीम तैयार की, तो हम लोग हर संडे को यहाँ इनके बीच में आते हैं इनको पढ़ाने के लिए। इनको उठना बैठना समाज में कैसे बात करते हैं, कैसे उठना है बैठना है, तो वो हम इनको सिखाते हैं। ये 2017 से कंटिन्यू हर संडे को हम लोग आते हैं और बीच बीच में जो भी त्यौहार पड़ते हैं, भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी इनके हैं हम लोग कराते रहते हैं। ये पाठशाला उन गरीब बच्चों के लिए संचालित होती है जो आज भी समाज से पिछड़े हुए हैं। इस पाठशाला में झुग्गी बस्ती के गरीब बच्चों को मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है। इस स्कूल की शुरुआत साल 2017 में हुई थी। मुझे पढ़ाना बहुत ही अच्छी लगती है और मेरी एक बचपन से इच्छा था कि समाज के लिए कुछ करूं। समाज के लिए करने के लिए मेरे कोई माध्यम नहीं मिला था, तो मैं पहले बार आई थी तो मेरे को ओनली 50 बच्चे मिले। उसके बाद 100 हो जाते, कभी कभी 100 पार हो जाता है, 100 प्लस भी हो गया, 130 तक भी हो गया। जब कुछ स्वयं सेवकों ने समाज की बेहतरी के लिए बच्चों में ज्ञान बांटने का फैसला किया, यहाँ हर रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक लगभग 100 बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल में सारे ज्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि स्कूल में 6 घंटे तो पढ़ाया जाता है, पर उसमें से कुछ घंटे मैम बैठी रहती हैं और बच्चों को कुछ मतलब बताती नहीं है, हम लोग खुद किताब पढ़ते हैं। इस साप्ताहिक स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जो इस स्कूल की सक्षमता को दर्शाती है। स्कूल को सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती है। स्कूल की टीम के सदस्य ही सभी आवश्यक अध्ययन सामग्री अपनी जेब से इकट्ठा करते हैं और बच्चों में वितरित करते हैं। मानवता की ये पाठशाला उन छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रही है जिनके पास आज तक इसकी पहुंच नहीं है। साथ ही ये पाठशाला बच्चों में उन जरूरी मूल्यों को भी स्थापित करती है जो उन्हें समाज में प्रभावी ढंग से जीने और कार्य करने में मदद करेंगे। ऐसी ही कई खबरों के अपडेट पाने के लिए नवभारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।